हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर व्लॉग। फ्रेंड्स, सुबह का टाइम है और दोस्तों ये देखो सालू खाना बना रही है क्योंकि आज निश्चल के दादाजी आए हुए हैं। तो आप देख सकते हो कि सर पे दुपट्टा रखी हुई है कसम से, तो इसके दुपट्टा हटने नहीं वाले हैं दोस्तों, कसम से दुपट्टा रखती है सर पे। और ये देखो निश्चल बहुत ज्यादा खुश है क्योंकि आज इसके बाबा भी आ गए, दादी तो आई हुई थी, तो इसके दादाजी भी आ गए दोस्तों। दोस्तों जो खाने में बन रहा है वो मक्के की रोटी, सरसों की साग और आलू और बैगन की सब्जी, ये इसके दादाजी के फेवरेट खाना है। तो आज वो सालू बना रही है, बिल्कुल ही देसी स्टाइल में खाना बन रहा है और निश्चल घूम रहा है, बोला मम्मी जल्दी से मेरे को देसी खाना दो खाने के लिए। तो सालू सुबह से लगी हुई है और ये देखो निश्चल को यहाँ पे घूम रहा है क्योंकि आज का ट्यूशन भी स्टार्ट होने वाला है, तो आज ये ट्यूशन भी जाएगा। तो बोला मैं दादाजी के साथ जाऊंगा ट्यूशन। निश्चल ये बोल रहा है मैं रोता नहीं हूँ, मैं दादाजी के साथ जाऊंगा ट्यूशन। और दोस्तों ये देखिए, इसके दादाजी कल शाम को आए थे क्योंकि इसकी दादी के दांतों में दर्द हो रहा था, तो पापा से रहा नहीं गया, तो पापा आ गए गुड़गांव से यहाँ पे। तो आज ही जाने वाले थे हम डॉक्टर के पास लेकिन बहुत ज्यादा दर्द है तो आज नहीं जा सकते, तो इसलिए कल जाएंगे। और देखो निश्चल कितना खुश है, अब ये बोल रहा है कि दादा दादी आप यहीं पे रहो, आपको मैं जाने नहीं दूंगा, ये अब आपको पापा जाना नहीं है, आप यहीं पे रहना है। अब ये देखो कुछ बोल नहीं रहा क्योंकि इनका मन नहीं लगता यहाँ पे। तो जो निश्चल बोल रहा है ना कि दादाजी आप यहीं पे रहना, मेरे साथ पार्क खेलने चलना, तो ये आज मैं आपको पार्क भी घुमाऊंगा, तो आज आपको पार्क वार्क सब घुमा देगा निश्चल। अभी दोस्तों मंदिर गया था ये अपने दादाजी के साथ और इसको बहुत ही अच्छा लगा क्योंकि ये जाता है मेरे साथ, जाता है सैटरडे टू सैटरडे मंदिर, लेकिन आज दादाजी के साथ गया, दादाजी इसकी पूजा करने के लिए गए थे। और देखो चुपचाप बैठा हुआ है यहाँ पे, ये जब दादा दादी आते हैं ना इसके तो मेरे को भूल जाता है कसम से। और दोस्तों जो सालू साग बना रही है वो बिहारी स्टाइल में बना रही है क्योंकि पापा बिहारी स्टाइल में साग खाते हैं, तो इसके अंदर बस सरसों के साग को उबाल दिया जाता है और फिर मस्टर्ड ऑयल में जो हरी मिर्च है इसका तड़का लगाया जाता है, फिर उबली हुई साग को डाल देते हैं और हल्का सा नमक, यानी कोई भी मसाले एड ऑन नहीं होता। तो पापा मेरे यही खाते हैं यही साग को, तो आज देसी साग खाने को मिलेगा कसम से सच्ची में दोस्तों। दोस्तों ये देखिए निश्चल पढ़ाई कर रहा है, दादाजी इसकी पढ़ाई करवाएंगे अभी, और मैंने बोला था कि बेटा दादाजी आ रहे हैं तो अब तेरे को पढ़ाई करवाएंगे। दोस्तों साग तो बन गया है और ये देखो मक्के का आटा को सालू तो तैयार कर रही है और इसका बिल्कुल रोटी बनाएगी अभी, तो ये भी थोड़ा सा गर्म पानी में थोड़ा सा इसको करते हैं, इसको मिलाते हैं, फिर जाके इसकी रोटी बनाते हैं। तो इसी स्टाइल में बना रही है, पहली बार मक्के की आटा की रोटी बना रही है क्योंकि ये कोई और स्टाइल से बनाती थी, तो ये अभी स्वदेशी स्टाइल से बना रही है मक्के की रोटी। दोस्तों ये देखिए मक्के का रोटी बनने लगा है कसम से दोस्तों, ये देखिए देसी खाना अब तैयार होने वाला है दोस्तों, क्योंकि साग भी बन गया था, बस थोड़ा सा मक्के की रोटी बनने में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन दोस्तों जो गांव में होते हैं ना चूल्हे पे बनाते हैं उसका टेस्ट कुछ और होता है, लेकिन अब क्या करें यहाँ पे चूल्हा तो है नहीं। तो ये देखिए सालू बनाना सीख गई है मक्के की रोटी, ये देखो हाथों से इसको गोल गोल करके फिर इसको रोटी का शेप दे देगी और फिर इसको तवे पे डाल के बन जाएगा रोटी। तो ये देखिए निश्चल की पढ़ाई खत्म हो गई है, एक घंटे पढ़ाई कर चुका है दादाजी के साथ, अब ये बोल रहा है मम्मी जल्दी से मेरे को नाश्ता दो, मेरे को नाश्ता खाना है। तो गेहूं की रोटी खाएगा कि मक्के की रोटी, ये बोल रहा है दोस्तों गेहूं की रोटी खाएगा, इसको मक्के की रोटी अच्छी नहीं लगती है निश्चल को। और दोस्तों ये देखिए पापा मेरे नाश्ता कर रहे हैं, मक्के की रोटी, सरसों की साग और आलू बैंगन की सब्जी, और निश्चल यहाँ पे खड़ा है, बोल रहा है मैं मक्के की रोटी नहीं खाऊंगा, मेरे लिए गेहूं की रोटी बनाओ। तो बेटा अभी थोड़ी देर में बनने वाली है गेहूं की रोटी, पहले मक्के की रोटी बन जाएगी तब, ठीक है निश्चल? ठीक है। दोस्तों देखो मक्के की रोटी बन चुकी है और अभी निश्चल के लिए गेहूं का रोटी बन रहा है और निश्चल वेट कर रहा है कि कब गेहूं की रोटी बने। निश्चल आज तेरे को थोड़ा सा टाइम लगेगा गेहूं की रोटी बनने में। निश्चल ये देखो चुपचाप घूम रहा है, मैंने बोला दादाजी के साथ तू खा ले मक्के की रोटी, लेकिन दोस्तों ये नहीं खा रहा है, बोला नहीं पापा मैं गेहूं की रोटी खाऊंगा। निश्चल की गेहूं की रोटी आ गई है और निश्चल गेहूं की रोटी और आलू बैंगन की सब्जी खा रहा है। निश्चल मक्के की रोटी लेके आऊं तेरे लिए? और दोस्तों ये गेहूं की रोटी में मक्खन लगाता है, ये बोला है कि मक्खन लगा के मैं खाता हूँ गेहूं की रोटी, साग नहीं खाएगा। और इसकी दादी भी यहाँ पे बैठी हुई है, इसकी दादी भी खाएगी गेहूं की रोटी क्योंकि उनके थोड़ी दांतों में थोड़ी सी दर्द हो रहा है, तो मम्मी ने बोला गेहूं की रोटी खाएंगे। तो मैंने बोला था कि आप भी खा लो, तो मम्मी बोली थोड़ी देर बाद खाएगी खाना। दोस्तों मैं मम्मी के पास बैठा हुआ हूँ, बहुत दिनों बाद मैं मम्मी के पास बैठा हूँ, जब क्योंकि मम्मी गुड़गांव में रहती है, यहाँ पे बहुत ही कम आती है, तो अभी आई हुई, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे, बहुत ही अच्छा लग रहा है। कहते हैं ना कि जब बड़े बुजुर्ग रहते हैं घर के अंदर तो घर बिल्कुल बड़ा बड़ा सा लगता है, तो मम्मी आई हुई है, पापा आए हुए हैं, तो मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ दोस्तों। अब दोस्तों सालू का भी खाना बनने वाला है, अब
ये थोड़ा सा इसका घर का काम था, तो सारा काम इसका हो गया है, क्योंकि सुबह सुबह उठ गई थी ये, और सुबह सुबह ही सब घर का काम कर दिया था इसने, यानी साफ सफाई सब चीज। तो अभी हम नाश्ता करेंगे और आज देसी खाने का मजा ही कुछ और आएगा दोस्तों। जो देसी खाना होता है, तो घर का बना हुआ खाना होता है, उसका खाने का मजा ही कुछ और होता है दोस्तों। सालू तू मेरे को एक चीज बता कि ये जो तूने रोटी बनाई है, इसका सीक्रेट क्या है, और तूने ये रोटी बनाना कहाँ से सीखा है? कौन सा, मक्के का? हाँ, मक्के की रोटी। मक्के की मैंने मम्मी से सीखी है बनाना। देखो, मम्मी से सीखी है, लेकिन ये कभी मैं मक्के की आटा लेके आने वाला था ना, तो बोलती थी मत लेके आओ, मेरे को बनाना नहीं आता है, लेकिन सास ससुर आए तो ठीक है लेके आ जाओ, मैं बना दूंगी कसम से। अब मैं ऐसा भाई मेहनत लगती है ना, तो कौन इतना टाइम वेस्ट करेगा, गेहूं की जल्दी जल्दी बना ले। ठीक है, मम्मी पापा रहेंगे अब यहाँ पे, तो मैं हर रोज खाऊंगा मक्के की रोटी, ठीक है? हर रोज बना के देगी ना। दोस्तों आप देख सकते हो किचन में कितना बर्तन हो गया है, और बहुत सारा बर्तन है। तो मैंने बोला सालू को कि मैं धुलवा दूं बर्तन, तो ये बोली नहीं नहीं मैं ही बर्तन धो लूंगी। अब इतना सारा बर्तन है, मैं धो देता हूँ। धो दो तो बोल क्या रहे हो? ये देखो, अभी बोल रही थी कि नहीं मैं धो लूंगी, और अभी बोल रही है कि आप धो लो। ऑमलेट के लिए पूछेगा, उसके लिए क्या बोलेंगे? जो धोने वाला है वो धो ही देगा ना आके। तो यार मैं धो देता हूँ ना बर्तन। हाँ तो धो, चलो ठीक है। और दोस्तों मौसम देख सकते हो आप, बहुत ही सुहावना मौसम हो रखा है। सुबह में ठंड थी, काफी ठंड थी, लेकिन अभी धूप निकला हुआ है दोस्तों, बहुत ही अच्छा मौसम है। और अभी मैं छत पे जाऊंगा, और छत में धूप में बैठने का मजा ही कुछ और होता है दोस्तों। मक्के की रोटी, सरसों दी साग, और धूप में बैठ जाओ कसम से दोस्तों, बहुत ही मजा आता है सच्ची में दोस्तों। ये अभी नाश्ता किया था, तो इसको थोड़ी सी सब्जी में ज्यादा मिर्ची थी, तो इसको थोड़ा मिर्ची लग गया था। तो ये देखो अभी मिठाई खा रहा है, इसके दादाजी मिठाई लेके आए थे। तो निश्चल मेरे को बता, दादाजी आए तो कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, और निश्चल बहुत खुश है, क्योंकि इसको मिठाई जो मिल रही है खाने को, कल दादाजी इसके लिए चॉकलेट भी लेके आए थे, तो बहुत ज्यादा खुश है। जब इसके दादाजी रहते हैं ना दोस्तों, तो इसको बहुत सारी चीजें मिलती है। मैं तो इतना चॉकलेट लेके नहीं आता हूँ, लेकिन इसके दादाजी चॉकलेट लेके आते हैं, मिठाई लेके आते हैं, है निश्चल? हाँ। और आज ट्यूशन भी ले जाएंगे निश्चल को, है? हाँ, घुमाने भी ले जाएंगे। निश्चल मेरे को ये बता, तेरे को ठंड में सबसे अच्छी चीज खाने के क्या अच्छी लगती है? गाजर का हलवा, गुलाब जामुन की सेवई की खीर, क्या सबसे अच्छी लगती है तेरे को? गाजर का हलवा। गाजर का हलवा दोस्तों, गाजर का हलवा सबसे फेवरेट है निश्चल का। कितना भी कुछ हो जाए, लेकिन इसके लिए मम्मी सप्ते में 2 बार गाजर का हलवा बनाती है निश्चल की मम्मी, ठंडियों में। क्या बात है, गर्मियों में है मेरा आइसक्रीम, गर्मियों में है इसका आइसक्रीम। ये देखो, ठंड का मौसम होता है, इसमें एक से एक खाना खाने का दिल करता है कसम से। जो खाना खाने का जो मौसम होता है वो ठंडी होता है दोस्तों, तो ठंड के मौसम में बहुत ज्यादा एक से एक खाना मिलता है। तो दोस्तों आप लोग भी बताइए कि आप लोगों के यहाँ ठंड में कौन कौन से खाना बनता है, प्लीज कमेंट में जरूर बताइए कि क्या क्या स्पेशल चीजें बनती है आपके यहाँ ठंड की, स्पेशल क्या क्या चीजें होती है दोस्तों। जहाँ पे मैं रहता हूँ यहाँ पे, तो मक्के की रोटी, सरसों की साग बनती है, और बहुत गाजर का हलवा बनता है, और भी बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन सबसे फेवरेट मेरी मक्के की रोटी है। और दोस्तों ब्लॉग कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और दोस्तों ये भी बताइए कि आप लोग के यहाँ ठंड में कौन कौन सा खाना बनता है, और आप लोग के फेवरेट कौन सा खाना है। निश्चल का तो फेवरेट है गाजर का हलवा, सालू का फेवरेट है गुलाब जामुन, और मेरी फेवरेट है मक्के की रोटी, सरसों की साग, मेरा गाजर का, और निश्चल का गाजर का हलवा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए, हेल्दी रहिए, और हेल्दी खाइए। ओके, थैंक्स।